हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एटम्स के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहली बात तो इसका मतलब एटम क्या होता है। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब देखो, हम एटम्स का मास किस तरीके से मेजर करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं एटम के एटॉमिक नंबर को? जेड से। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? देखो, किसी भी एटम के अंदर क्या होता है, मान लो ये मेरे पास एटम है, उसका न्यूक्लियस होता है बीच में, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं एटम की, क्या होंगी भाई? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और बाहर वाले खाली स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पे तो चार्ज होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है जीरो, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। इतनी बात तो सबको पता होगी कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सेंटर के अंदर, और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अच्छा, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? देखो, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। तो मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, उसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से, कैपिटल जेड से हम लोग एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है मास नंबर। अच्छा, एक और डेफिनेशन है इसकी कि अगर एटम के ऊपर चार्ज जीरो है तो इसका मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है। अगर एटम पे चार्ज जीरो है, जीरो चार्ज क्यों है उसके ऊपर? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसके अंदर बराबर है, तभी चार्ज क्या होगा? जीरो। तो अगर एटम पे चार्ज नहीं है तो वहाँ पे जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको भी मैं एटॉमिक नंबर बोल सकता हूँ। तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के लिए एटम कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल मतलब जिस पे चार्ज जीरो हो, इन न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर ही होंगे, और इसी को हम एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मास नंबर। मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई, इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लो। मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मान लो किसी एटम के अंदर 5 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, तो उसका मास कितना हो जाएगा? उसका मास नंबर हो जाएगा 11। हाँ, तो देखो, मैं बोल सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा जी, ये हो गया मास नंबर। ये क्या हो गया? एटम का मास नंबर। और एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? जैसे जेड, जेड इज इक्वल टू, ये ऊपर जो मैंने लिखवाया है इसकी डेफिनेशन, जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस बात को आप लोग दिमाग में डाल लो अच्छे से। अब एटम का सिंबल, सिंबॉलिक फॉर्म में या मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एटम को हम कैसे लिखते हैं? मॉडर्न
सिंबल ऑफ एटम। तो देखो इसको चलो एक्स बोल देता हूँ मैं, मॉडर्न सिंबल ऑफ एटम कुछ भी हो सकता है। मान लो कार्बन है तो उसका पहला अल्फ़ाबेट क्या होगा, उसका सिंबल हो जाएगा। मॉडर्न सिंबल्स का यही तरीका है। हाइड्रोजन का पहला अल्फ़ाबेट क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा उसका सिंबल। लेकिन हीलियम भी एच से ही स्टार्ट होता है, तो हीलियम के लिए भी एच थोड़ी लिखेंगे हम, हर एलिमेंट के लिए अलग सिंबल होना चाहिए। तो हीलियम के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, एच ई। एक तो एच पहला अल्फ़ाबेट उठा लेंगे और साथ में कभी कभी उसका कोई बीच वाला अल्फ़ाबेट भी उठा लेते हैं, जैसे हीलियम में एच और ई। ओके, तो मॉडर्न सिंबल ऑफ एटम क्या होता है, जैसे कि इसको बोलते हैं कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ एटम, फर्स्ट अल्फा बेट ऑफ एटम, फर्स्ट अल्फा बेट ऑफ एटम समटाइम्स रिटन विद अदर अल्फाबेट। कोई भी और अल्फाबेट भी समटाइम्स हम लोग ले लेते हैं, इसको बोलते हैं एटम का सिंबल। इसको जैसे एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होगा भाई, हाइड्रोजन का सिंबल होगा एच। ठीक है, अब एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो लास्ट बात है वो बता देता हूँ आप लोगों को, एटम को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो एटम का सिंबल एक्स लिखेंगे हम लोग, और नीचे लिखेंगे उसका एटॉमिक नंबर जेड, और ऊपर लिखेंगे मास नंबर ए। नीचे तो क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर जेड। ये क्या है भाई, मेरा एटॉमिक नंबर। अच्छा जी, और ए क्या है, मास नंबर, और एक्स क्या है, सिंबल है एटम का। अब ध्यान से देखो इसको, मैंने एक टेबल बना रखी है साइड में, और देखो ध्यान से, हाइड्रोजन का सिंबल आपको ये वाली टेबल दिखाई दे रही होगी अच्छे से मुझे लग रहा है। तो हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, नीचे उसका मास नंबर लिखा है, ऊपर क्या लिखा है उसका एटॉमिक नंबर, सॉरी नीचे एटॉमिक नंबर ऊपर क्या लिखा है, मास नंबर। ये तो है भाई एटॉमिक नंबर, और ये क्या है इसका, मास नंबर। तो आप लोग इन सबको ड्रॉ कर लो, हाइड्रोजन का H, हीलियम का एच ई होगा, हीलियम का क्या होगा, एच ई, इसका एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मास नंबर 7, बेरिलियम का 4 एंड मास नंबर 9। तो इसी तरीके से इन सबको आप लोग लिख लो और इनको रिवाइज कर लो, आप लोगों को 20 तक याद कर लेने, ये 13 तक है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर 27, लगभग दुगना होता है, लेकिन हमेशा ये रूल फॉलो नहीं होगा। जैसे नाइट्रोजन का 7, 14, ऑक्सीजन का 8 और 16, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर दुगना 16, लगभग दुगना होता है, लेकिन हमेशा ये रूल फॉलो नहीं होगा। तो आप लोग इन सब को आप लोग याद कर लो कि लिथियम का सिंबल क्या है, Li, बेरिलियम का सिंबल क्या है, Be, बोरोन का सिंबल क्या है, B, और एटॉमिक नंबर 5, मास नंबर 10। इस टेबल को आप लोग ड्रॉ कर सकते हो अभी। ओके, अब मान लो कभी भी क्वेश्चन आ गया, अब मान लो कभी भी क्वेश्चन आ गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन सोडियम 11 एंड 23, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 एंड मास नंबर 23, इसमें निकालने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ध्यान से देखो भाई, दे क्या रखा है हमें, सोडियम दे रखा है 11, ऊपर क्या दे रखा है 23, नीचे क्या लिखते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, जेड से। तो जेड इज इक्वल टू 11 दे रखा है इसमें, और ए कितना दे रखा है, ए इज इक्वल टू 23। अच्छा, ए क्या होता है, ए होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इट इज इक्वल टू 23, और जेड क्या होता है, जेड तो प्रोटॉन्स ही होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट विल बी इक्वल टू 11। तो भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो मेरे पास आ गए, कितने आ गए 11, और प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं 23, तो इसमें प्रोटॉन की वैल्यू डालूंगा मैं, प्रोटॉन कितने थे 11, प्रोटॉन अगर 11 थे तो इसका मतलब 11 प्लस न्यूट्रॉन इट विल बी इक्वल टू 23, तो न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू 23 माइनस 11 इट विल बी इक्वल टू 12। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। ओके, और मान लो कभी क्वेश्चन आ गया कि किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, मान लेता हूँ प्रोटॉन्स 17 हैं और न्यूट्रॉन्स 18 हैं,
प्रोटॉन 17 है, न्यूट्रॉन कितने हैं 18 है। आप बताओ इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट विल बी इक्वल टू 17। तो एटॉमिक नंबर कितना आ गया भाई 17। और एटॉमिक मास या मास नंबर, इट विल बी इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इट विल बी इक्वल टू 17 प्लस 18, इट विल बी इक्वल टू 35। अच्छा देखो, जिस एटम का एटॉमिक नंबर 17 हो, वो कौन सा एलिमेंट है? अच्छा यहाँ पे लिखा नहीं है, 17 एक्चुअली क्लोरीन का होता है, 17 एक्चुअली किसका होता है, क्लोरीन का। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एलिमेंट को, Cl, और नीचे लिखेंगे एटॉमिक नंबर 17, ऊपर लिखेंगे मास नंबर 35। तो इस तरीके से हम लोग इनके, अगर मुझे एटॉमिक नंबर मास नंबर दे रखे हैं तो मैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकाल सकता हूँ। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एटम्स के मास को कैसे मेजर करना है, एटम्स के मास को कैसे मेजर करना है। देखो पहली बात तो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए मुझे क्या होना चाहिए मेरे, अच्छा एक मिनट, एटम का, एटम की रेडियस हम लोग कैसे मेजर करते हैं, रेडियस या फिर साइज एटम का जनरली दिया जाता है नैनोमीटर्स में, किसमें, नैनोमीटर्स के अंदर एटम की रेडियस मेजर करते हैं। नैनोमीटर क्या होता है, 1 नैनोमीटर, इट इज इक्वल टू 10^-9 meters। तो जनरली एटम्स की रेडियस नैनोमीटर्स में दी जाती है। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 10^-9 meters के बराबर। अब चलते हैं एटम्स के हम लोग मास के लिए, इसको आप लोग नोट कर लो, एटम्स के मास को मेजर कैसे करना है। देखो एटम्स का मास बहुत ज़्यादा कम होता है, अगर उसको ग्राम्स में मेजर करेंगे तो आंसर आएगा 0.00000025 मान लेता हूँ, 24 मान लेता हूँ, इतना कम आएगा ग्राम्स में इसका मास, तो काफ़ी सारे जीरो लग जाएंगे बीच में। तो क्या इस तरीके का नंबर एक अच्छा नंबर है मेजरमेंट के लिए, नहीं है। तो हम लोगों ने बोला कि भाई इसको हम यूनिट नहीं मानेंगे, एटम के मास को मेजर करने के लिए सबसे पहली बात तो एक यूनिट डिफाइन करी गई, उस यूनिट को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU। उस यूनिट को क्या बोलते हैं, एटम के मास को मेजर करने के लिए हम लोगों ने यूनिट बनाई, एटॉमिक मास यूनिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं AMU, या फिर इसी को आजकल एक नया नाम देते हैं जिसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास इसको यू से रिप्रेजेंट भी कर देते हैं, या आजकल इसको एक और नया नाम दे दिया डाल्टन्स, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से इसको हम लोगों ने डाल्टन, ये सारे के सारे एक ही हैं, यूनिफाइड मास या फिर डाल्टन, ये सब के सब क्या है, एक ही है। अब देखो एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन किया गया हम लोगों ने, हमने बोला कि भाई 1 एटॉमिक मास यूनिट इट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ ए कार्बन एटम, मास ऑफ ए कार्बन एटम ऑफ C12 isotope, कार्बन एटम के C12 isotope के मास का 12वां हिस्सा किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास यूनिट के। तो मतलब 1 AMU इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ ऑफ कार्बन एटम, ये कार्बन एटम कौन से आइसोटोप का है, कार्बन का C12 isotope, कार्बन के काफ़ी सारे आइसोटोप होते हैं C12, C13, C14, ये C12 का एक एटम है, इसके मास को 12 से डिवाइड कर दूंगा तो वो आ जाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट। और फिर एटॉमिक मास यूनिट में मैं इसके साथ कंपेयर करके, एटॉमिक मास यूनिट में मैं बाकी सभी एटम्स का मास मेजर करता हूँ, एटॉमिक मास यूनिट को अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ जाए तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इट इज इक्वल टू 1.667 × 10^-24 grams। इसको आप लोग याद कर लो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कभी एटॉमिक मास को ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ जाए कितना आएगा, 1.667 × 10^-24 grams, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा बता रहा हूँ, एटम्स के मास को मेजर करने के लिए हमने एक नई यूनिट बनाई जिसका नाम क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, इट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम, और इसको अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़े तो ये किसके बराबर आएगा, 1.667 × 10^-24 grams। ओके, तो एटॉमिक मास यूनिट समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि एटॉमिक मास क्या होता है,
किसी भी एटम का एटॉमिक मास क्या होगा? एटम का मास आएगा, एटॉमिक मास जो होता है इसको रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि इस मास को हम लोग डायरेक्टली किलोग्राम्स या ग्राम्स में नहीं नाप रहे हैं, इस मास को हम लोग रिलेट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम या AMU के साथ कंपेयर करके इसके मास को मेजर कर रहे हैं हम लोग। तो रिलेटिव इसीलिए वर्ड यूज किया, रिलेटिव मतलब कि एक दूसरे के साथ रिलेट करके या कंपेयर करके जो मेजर किया जाए। तो अब देखो रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम मेजर्ड, मेजर्ड रिलेटिव टू, रिलेटिव टू 1/12, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। भाई ये आइसोटोप क्या होते हैं इसके बाद बताऊंगा, आइसोटोप क्या होते हैं ये इसके बाद बताऊंगा। मतलब 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम, ये क्या होता है? यही तो AMU होता है। मतलब किसी भी एटम का मास AMU में मेजर कर ले उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास, या फिर क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। ये जो ब्रैकेट में लिख दे यही तो AMU होता है। तो इसका मतलब किसी भी एटम का मास किस में नापेंगे? AMU में नापेंगे तो उसको एटॉमिक मास बोलेंगे, ग्राम्स में किलोग्राम्स में उसको एटॉमिक मास नहीं बोलेंगे। ओके okay. और अगर हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ जाए तो हमारे पास रिलेशन है कि एक AMU किसके बराबर? 1.667 × 10⁻²⁴ ग्राम्स। चलो अच्छा, और ये जो मास लिखवा है मैंने 1 AMU, ऊपर जो लिखा होता है वो मास नंबर होता है, 4 AMU, 7 AMU, 9 AMU, 10 AMU, 12, 14, ये सारे इनको आप याद कर लो। ये सारे AMU में मास लिखवाए मैंने, एटॉमिक मासेज ही है ये। ओके अब हम लोग देखते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं। बहुत सिंपल सा है आइसोटोप, कुछ मुश्किल नहीं है। ऐसे एलिमेंट जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो, सेम एलिमेंट हैविंग Having same atomic number, having same atomic number but different mass numbers, but different mass numbers, उनको हम क्या बोलेंगे? isotopes। अच्छा जिनका atomic number same है, एटॉमिक नंबर मतलब जिनका जेड सेम है। जेड क्या होता है? प्रोटॉन्स के बराबर। तो किसी भी एलिमेंट्स का अगर जेड सेम है, एटॉमिक नंबर सेम, मतलब उनके प्रोटॉन्स भी सेम है, बोलो है या नहीं है। और मास नंबर डिफरेंट है, मास नंबर क्या होता है? A = नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखो भाई ये तो दोनों एटम्स के लिए सेम आ गया, प्रोटॉन्स तो प्रोटॉन तो दोनों के लिए सेम आ गया, और ये डिफरेंट है। तो जेड तो सेम है लेकिन ए क्या है? डिफरेंट है दोनों एटम्स के लिए। तो इस ए डिफरेंट कब हो सकता है? क्योंकि प्रोटॉन तो सेम है, ए डिफरेंट हो सकता है जब न्यूट्रॉन क्या हो? डिफरेंट हो। दोबारा बता रहा हूँ, अगर एटॉमिक नंबर सेम है मतलब प्रोटॉन सेम है, और मास नंबर डिफरेंट है लेकिन प्रोटॉन नंबर सेम है, इसका मतलब मास नंबर डिफरेंट कब होंगे? जब न्यूट्रॉन क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। समझ गए? तो अब मैं बोल सकता हूँ इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है। एलिमेंट्स हैविंग Having equal number of protons but different number of neutrons, दोनों ही सेम बात है, but different number of neutrons। For example जैसे hydrogen H11, okay, इसको बोलते हैं protium, H12 इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, एंड H13 इसको बोलते हैं ट्रिटियम। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं। देखो एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है 1, 1, 1, लेकिन मास नंबर तीनों का क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। समझे? फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कार्बन है,
तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, और दूसरा एटॉमिक मास 12, और कार्बन 6 एटॉमिक नंबर और मास नंबर 14। अब ध्यान से देखो इस चीज़ को आप लोग, भाई एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर एक बार 12 है एक बार क्या है 14, डिफरेंट है। तो ये दोनों क्या है आइसोटोप। जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट, उनको क्या बोलेंगे आइसोटोप्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक बोल लेता हूँ, क्लोरीन है 17 एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का, आप लोग 20 तक याद कर लो, 135 137। क्लोरीन के तो बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, 36 38 39 40, लेकिन वो सब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 35 और 37 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्लोरीन है तो 35 में पाया जाएगा या फिर 37 में, बाकी सब नेगलिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। तो ये सारे आइसोटोप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर डिफरेंट। ओके, अब नेक्स्ट है आइसोबार्स, नेक्स्ट इज आइसोबार्स। आइसोबार्स में उल्टा हो जाएगा, एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो और मास नंबर क्या हो जाए सेम हो जाए, उनको हम क्या बोल लेंगे आइसोबार्स बोल लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है, कार्बन 6 और 14 और नाइट्रोजन 7 और 14। कार्बन का कौन सा आइसोटोप लिया है मैंने 14 वाला। दूसरा एग्जांपल जैसे देख लेता हूँ मैं कि आर्गन 18 मास नंबर 40, पोटेशियम 19 मास नंबर 40। आप लोग इनको लिख लो आर्गन, ये आपको इनको याद भी करना है, कैल 20 तक याद करनी है 20 एंड 40। आप लोग देख सकते हो कि एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट आ रहे हैं 18 19 20, और मास नंबर सेम है 40 40 40। अच्छा, कार्बन और नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं लेकिन मास नंबर सेम है 14 एंड 14, तो इनको बोलते हैं आइसोबार्स, जिनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो और मास नंबर जिनके क्या हो सेम, इनको क्या बोलेंगे आइसोबार्स बोलेंगे। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, इसको नोट कर लो आप लोग। अब एक नेक्स्ट टर्म आती है रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। देखो मान लो दो आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहे हैं, पहला आइसोटोप है Mi, पहले आइसोटोप का मास है Mi और उसका परसेंटेज या फ्रैक्शन कितना है Xi, और दूसरा आइसोटोप मान लेता हूँ पहला M1 है इसका परसेंटेज है X1, दूसरा M2 इसका परसेंटेज नेचर में कितना है X2। तो इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू M1X1 प्लस M2X2 अपॉन X1 प्लस X2। आप लोग पूछोगे यहाँ पे M1 M2 क्या है, M1 एंड M2 आर एटॉमिक मासेज, एटॉमिक मासेज ऑफ बोथ आइसोटोप्स एंड X1 और X2 क्या है भाई यहाँ पे, या तो परसेंटेज है उन आइसोटोप्स का या उनका फ्रैक्शन है, परसेंटेज और फ्रैक्शन ऑफ आइसोटोप्स, इट इज परसेंटेज और फ्रैक्शन ऑफ आइसोटोप्स। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया इसके ऊपर कि भाई मेरे पास क्लोरीन है, दो आइसोटोप है, 17 एटॉमिक नंबर है, एक है 35 और वो नेचर के अंदर 75% पाया जाता है, और दूसरा क्लोरीन जो है एटॉमिक नंबर 17 मास नंबर 37 वो नेचर में लगभग 25% पाया जाता है, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करो, एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल है। तो भाई एवरेज एटॉमिक मास इट विल बी इक्वल टू M1, पहला मास 35 वाला ले लेता हूँ मैं, 35 है देखो इसका ऊपर जो लिखा होता है वो मास नंबर होता है, वो मास होता है, 35 इंटू इसका परसेंट कितना है भाई 75,
प्लस दूसरा आइसोटोप क्या है 37 है उसका मास, दूसरे आइसोटोप का मास क्या है 37 इंटू उसका परसेंट कितना है 25 अपॉन दोनों के परसेंटेज का सम 75 प्लस 25। इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा देख लेना आप लोग 35.5 U। यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, या इसको AMU भी लिख देते हैं, AMU या U मतलब यूनिफाइड मास, सेम है, यूनिट भी साथ लिखनी जरूरी है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35.5। अच्छा तो आप लोग ये क्वेश्चन खुद से भी ट्राई कर सकते हो। मान लो बोरोन के दो आइसोटोप हैं, एक तो बोरोन एटॉमिक नंबर तो 5 होता है 10, ये नेचर में 20% पाया जाता है, और दूसरा बोरोन 5 एटॉमिक नंबर 11 सॉरी मास नंबर 11 ये नेचर में 80% पाया जाता है। आप लोग इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करो, इसका क्या कैलकुलेट करो एवरेज एटॉमिक मास। चलो तो इस तरीके से आप लोग एवरेज एटॉमिक मास को कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा मान लो किसी एटम के तीन आइसोटोप प्रेजेंट है, M1 M2 M3, मान लो इसके तीन आइसोटोप प्रेजेंट है सॉरी, तो उसके लिए सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे M3X3 ऐड कर देंगे इसमें, प्लस नीचे क्या कर देंगे X3। मान लो चार आइसोटोप प्रेजेंट है तो M4X4 ऐड कर देंगे, नीचे X4 ऐड कर देंगे। पांच प्रेजेंट है M5X5, तो इस तरीके से कितने भी आइसोटोप्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। जितने आइसोटोप्स होंगे उनके लिए M1X1 M2X2 इस तरीके से इनको जोड़ के लिखेंगे और परसेंटेज को नीचे जोड़ के लिखेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ दो ही आइसोटोप होते हैं, जनरली दो ही देंगे आप लोगों को, ज़्यादा नहीं देंगे, ज़्यादा दे तो उसको भी कर देना, बस सिंपली ऐड करना है। तो ये था एवरेज एटॉमिक मास। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मोलिकुलर फॉर्मूला और मोलिकुलर मासेस के बारे में, मोलिकुलर मासेस, मास परसेंट, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके थैंक यू।